अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होगे और मज़े में होगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। बारिश इधर बहुत ज़्यादा हो रही है और आप लोग सुनाओ किस किस सिटी में बारिश हो रही है, क्योंकि मेरे व्लॉग अभी आउट ऑफ कंट्री तो नहीं जाते होंगे, सिटीज़ में तो जाते ही होंगे, इसलिए पूछ रही हूँ। और क्या कर रहे हो सब। और आज मेरा बस छोटा सा व्लॉग है, मिनी सा, और आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और पिछली वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करने का शुक्रिया। इधर हम जा रहे थे जोहान के लिए मेडिसिन लेने और मैंने ये वाला आउटफिट पहना था क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था और खुला था, तो मैं बहुत ज़्यादा इजी फील कर रही थी। मैंने सोचा आज ये पहन के जाऊंगी। वैसे मैं लेके बड़ी शॉल गई थी ब्लैक कलर की, ये मैं वैसे ही बस मैंने लिया था सिर्फ क्लिप बनाने के लिए। दुपट्टा वैसे मैं इसके साथ प्लेन दुपट्टा बनाना चाह रही हूँ कि वो प्लेन ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर मैंने जोहान को तैयार करके बाइक पर बिठा दिया था क्योंकि ये रो ही जा रहा था, इसे मुसलसल इतनी पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब तो मुझे ना मतलब एडवाइस हो गई कि कभी भी बेबी को ना किसी भी बच्चे को वो नहीं खिलानी, कैंडीज़ खिलानी नहीं है बिल्कुल भी। खैर इधर ये ड्रेस मम्मा का बाबा लेके आए थे, बहुत ही प्यारा ड्रेस था ये। इसकी एम्ब्रॉयडरी ये मेहंदी कलर का था और ग्रीन मूंगिया कलर की एम्ब्रॉयडरी थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इधर चीज बना रही थी घर के लिए, कुछ मतलब चीज़ें बना रही थी, ये बटरफ्लाई वगैरह कट करके रखी थी, तो वो आजकल मतलब फ्री होती है तो इस तरीके के काम करी थी। कह रही थी मैं इसे ऐसे लगाऊँगी और फिर जब लगाएगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अच्छी बात है, इंसान ऐसे कामों में मसरूफ़ रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि इंसान को अपने आप को हमेशा मसरूफ़ ही रखना चाहिए, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में जितना अपने आप को मसरूफ़ रखेगा उतना ही खुश रहेगा, यही ज़िंदगी का असूल है। और जितना ज़्यादा मतलब फ्री रहेगा ना उतना ही ज़्यादा बोर होगा और लाइफ भी उसे अजीब सी लगेगी। इधर मुझे हो रही थी, दो दिन से हो रही थी जलेबियों की क्रेविंग बहुत ज़्यादा, तो मैंने उधर भाई को भेजा, मैंने कहा मुझे जलेबी ले आओ, क्योंकि जहाँ मम्मा लोगों के पास ना हर चीज़ मिल जाती है इजीली और हमारे यहाँ नहीं मिलती कोई भी चीज़, तो मैंने भाई को कहा जलेबी ले आ, तो वो जलेबी ले आए थे। और इधर सिस्टर बना रही थी बिरयानी, तो मैंने कहा था बिरयानी खानी है मैंने और वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तो वो बिरयानी की तैयारी कर रही थी। मैंने उसे कहा आप भी ले लो, वो मीठा बहुत ज़्यादा कम खाती है, मीठा इतना नहीं खाती, खैर मीठा हमारी फैमिली में बहुत कम खाते हैं। और इधर भी हमारी आंटी थी जो के चिकन वॉश कर रही थी, उन्हें भी मैं बोल रही थी आंटी ये आपने खानी है, वो कहती मैं बाद में फ्री होकर खाती हूँ। तो फिर मैंने अपनी जलेबी इंजॉय की थी और इधर बन रही थी बिरयानी, और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की और स्पाइसी थी क्योंकि हम पैक करवा के ले आए थे बिरयानी को। फिर बेबी नाम लेना, मैंने जुहान रोई जा रहा था उसकी वजह से। और इधर मम्मा मुझे हमें पैक कर रही थी बिरयानी, फिर हमने घर आके इंजॉय की थी मैंने और कमर ने। कमर मेरे हस्बैंड का नाम है, हर कोई कहता नाम लिया करो। और फिर मैंने और कमर ने बिरयानी इंजॉय की और बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये वाले क्लिप मैंने किस चीज़ के ऐड किए हैं ये भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। और बाहर आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और आप लोग सुनाओ उधर का मौसम कैसा है। इधर तो 5 तारीख तक बारिशें बताई हैं कसूर में और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और दूसरा मैंने वो जो क्लिप थे ना, वो मैं जब मम्मा लोगों के पास से आ गई थी तो भाई ने मुझे बना के भेजे थे। घर में क्या बात चल रही है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बता